बहुत शुक्रिया फाइक भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, कॉल की, बहुत शुक्रिया फाइक भाई। खुदा हाफिज। तो नाजिन हमारी कोशिश है, आप कॉल कर सकते हैं 9178372127। जैसा कि आज अमेरिका समेत दुनिया भर में माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और हमारी कोशिश है कि हम लाइव टीवी पे बैठ के आपके साथ यानी ये दिन मनाएं। हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो हेलो जी, हेलो जी, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से बात कर रही हैं, क्या नाम है मोहतरमा जी? मैं उज़्मा बात कर रही हूँ। उज़्मा कराची से बात कर रही हैं जी? मैं कराची पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। क्या कहना चाहेंगी? हैप्पी मदर्स डे, और मैं ये समझता हूँ कि आज माओं का आलमी दिन है, आप भी एक अपनी वालदा से मुतालिक कोई बात करना चाहें, या आप खुद एक माँ है कोई बात करना चाहें? जी जरूर, माओं का आलमी दिन तो हमने एक डे खासकर एक दिन मुख्तस कर दिया है, मगर ये तो हर दिन मनाना चाहिए। हर दिन मैं समझती हूँ माओं का दिन है। जिनकी माएं जिंदा हैं वो ब्लेस्ड हैं कि उनकी माँ उनके साथ है, उनकी दुआएं लें, और जिनकी माएं नहीं है वो उनको अपनी दुआओं में याद रखे होंगे, और वो माएं हम बच्चों की तरफ जरूर झुकती होंगी और देखती होंगी। माएं सबकी सांझी होती है, मैं समझती हूँ सब, कोई माँ किसी भी एक माँ से मुख्तलिफ नहीं होती, चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, क्योंकि एक ऐसा रिश्ता है जो अल्लाह ने बनाया है, और मोहब्बत खुद ब खुद बच्चों की माँ के अंदर पहले से आ जाती है। तो मैं अपनी माँ के बारे में क्या कहना चाहूंगी जी, हमने तो उनसे एक ही बात उन्होंने हमें सिखाई थी, जो कि हम उसको कोशिश जरूर करते हैं कैरी फॉरवर्ड करने की जी, जी। कि आप अपने से सबके लिए नेकी करें, आप अपने से सबके लिए अच्छा करें, आप अपना दिल हर एक के लिए बड़ा रखें, और जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो नहीं होनी चाहिए, वो फिर अल्लाह खुद आपको उन चीजों से नवाजता चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो मेरी माँ से हमने यही सीखा, क्योंकि उनका स्टाइल वे ऑफ लिविंग ही यही था कि जी अपने से बांटते जाओ दुनिया में खुशियां भी, नेकियां भी, और वो सब आपके पास बाउंस बैक होकर आती जरूर है। और अब मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे याद है मैं अपनी माँ को कहती थी, लेटी भी होती थी कभी, तो मैं उनकी टांगों पे टिकल करती थी और कहती थी जन्नत का दरवाजा खटखटा रही हूँ। अच्छा, मगर जब मैं खुद माँ बनी तो मैंने अपनी माँ को कहा कि आई डोंट हैव टू नॉक एट योर फीट, नाउ आई एम बिकम अ मदर माइसेल्फ। नजर आती है माँ, ओढ़ती है खुद तो गुर्बतों का बोसीदा कफन, ओढ़ती है खुद तो गुर्बतों का बोसीदा कफन, चाहतों का पैरसन बच्चों को पहनाती है माँ। रूह के रिश्तों की गहराइयां तो देखिए, रूह के रिश्तों की गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ, जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो छाती पे है गीले में सो जाती है माँ। लौट के जब भी सफर से घर आते हैं हम, लौट के जब भी सफर से घर आते हैं हम, डाल के बाहें गले में सर को सहलाती है माँ, वक्त आखिर है अगर परदेश में है नूरे नजर, वक्त आखिर है अगर परदेश में है नूरे नजर, अपनी दोनों पुतलियों को चौखट पे रख जाती है माँ। साल भर में कहीं हफ्ता या जुमेरात को, साल भर में कहीं
ہفتہ یا جمعرات کو زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کر سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کے سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. دوستوں آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ فیس بک پہ بھی کامنٹس دیں.